वेलकम स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 32 हम करेंगे, दैट इज़ ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, क्लास 9th एंड डेट इज़ 17th of September 2020। ठीक है, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी जो वर्कशीट आती है उसका ये वर्कशीट नंबर 32 है, क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, ये स्टोरी बेस्ड है, ये वर्कशीट है। सबसे पहले आपको यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर जो आपके क्लास टीचर हैं। तो देखिए, डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये क्या कहता है, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न दैट ए स्टोरी हैज़ 4 कंपोनेंट्स। कि आपको पता है कि एक कहानी के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, कैरेक्टर्स, यानी कि जो कोई चरित्र है, जो इसमें कोई रोल प्ले करता है वह, सेटिंग, एक तरह का जो माहौल इसमें बनाया जाता है, स्टोरी जहां सेट की जाती है, प्रॉब्लम, समस्या जो आती है, एंड सॉल्यूशन, उसका निदान किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यू ऑल्सो लर्न अबाउट सीक्वेंसिंग द स्टोरी, आपने ये भी सीखा कि किसी स्टोरी में सीक्वेंस किस तरह से किया जाता है। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में लेट अस ट्राई टू राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन इनपुट्स गिवन बिलो। और इस वर्कशीट में हम कोशिश करेंगे कि जो इनपुट दिए हुए हैं, जो हमें क्लू दिए हुए हैं, उनके बेस पर हम एक स्टोरी लिख सकें। यू कैन चूज टू डू ईदर वन ऑफ द टास्क। और इसमें हमें दो टास्क दिए हुए हैं, कोई एक करना है। मैं आपको दोनों सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, दोनों को आपको ध्यान से देखना है। पहले जो है वो हम देखते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, Try to create a story in your words। कि आपको क्या करना है, जो एक अपनी स्टोरी है वह खुद से क्रिएट करनी है, जो क्लू इसमें दिए हुए हैं। तो क्लू क्या है, देखो, कैरेक्टर यानी कि पात्र हैं जो दिए हुए हैं, वो हैं राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। सेटिंग, माहौल दिया हुआ है, कैसी सेटिंग में, किस एरिया में, रिवर साइड। प्रॉब्लम क्या होती है, वन फ्रेंड गोज मिसिंग, कि एक जो दोस्त है वो खो जाता है। सॉल्यूशन, उसका क्या हल निकलता है, कॉन्टैक्ट पीपल एंड सर्च, कि कुछ लोगों से मिला जाता है और उसको ढूंढा जाता है। ठीक है, 4 बेसिक कंपोनेंट्स भी आ गए स्टोरी में, इनके बेस पर हमें एक जो स्टोरी है वह लिखनी है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि किसी भी स्टोरी के 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। जब ये चारों चीज हों तो एक स्टोरी बन जाती है। तो जैसे क्लू क्या दिए हुए हैं, देखो, सुनील एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, कि सुनील और उसके दोस्त पिकनिक, शायद पिकनिक पर जाते हैं। टेक ए बस, बस लेते हैं, थ्रू द हिल्स, कि जो बस है वो हिल्स में से जाती है, पहाड़ियों में से जाती है। रीच द रिवर, यानी कि वो नदी के पास पहुँचते हैं। ऐसे क्लू दिए जा रहे हैं, इनको हमको सबको फॉर्म करके एक स्टोरी लिखनी है। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट अराउंड, कि चारों ओर बहुत ही सुंदर जंगल है। दे सेट अप फूड, खाना खाते हैं। स्विम इन द रिवर, नदी में तैरते हैं। कौन, सुनील एंड हिज फ्रेंड्स, क्योंकि कौन है वो, उसके पात्र हैं। कन्फ्यूजन में नहीं होना है, यहाँ राहुल लिख दिया है गलती से और यहाँ सुनील है। आप राहुल या सुनील किसी का भी एक का नाम ले सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर में राहुल लिख रखा है और यहाँ सुनील है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, जंगल जाते हैं और फ्रूट्स ढूंढते हैं। वन फ्रेंड मिसिंग, ये प्रॉब्लम आ गई कि एक दोस्त खो जाता है। मेक सर्च, पार्टी, कॉन्टैक्ट पुलिस, पंचायत। क्लूज दिए जा रहे हैं, हिंट दी जा रही हैं कि जो लोकल पुलिस है उसको कांटेक्ट किया जाता है, उनको, पंचायत है जो, उनको पूछा जाता है। सर्च विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, बड़े लोगों के साथ मदद मांगी जाती है ढूंढने में। फ्रेंड गॉट
लॉस्ट इन जंगल, दोस्त कहाँ खो गया जंगल में, फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर की दूसरी साइड पर मिला, गॉट हेल्प फ्रॉम ट्राइबल विलेज ही रीच्ड, और वो वहाँ जो है कैसे पहुँचा, जो ट्राइब यानी कि जो आदिवासी समुदाय थे विलेज के उनकी सहायता से। तो थोड़ा आपके दिमाग में माइंड मैपिंग करोगे, सोचोगे तो ये समझ में आया होगा कि जो सुनील है वो पिकनिक पर गया, बस उसने ली अपने दोस्तों के साथ, बस हिल्स में से गई, नदी पर पहुंची, वहाँ जंगल था, खाना खाया, नदी में तैरे, उसके अलावा जंगल से फ्रूट जो फल हैं वो ढूंढे, अचानक एक दोस्त खो जाता है, उसको ढूंढते हैं, पुलिस से मिलते हैं और बड़े लोगों की मदद लेते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जो उनका दोस्त था वो अपोजिट साइड ऑफ द रिवर उनको मिलता है। अब इसको बेस करते हुए आपको स्टोरी लिखनी है इस जगह, ठीक है। जब आप अपनी नोटबुक में करें तो नोटबुक में भी इसी तरह का एक सेटअप बना लें जो जैसे आपकी वर्कशीट है, और इस ऐसे ही आपको करना है। इसका आंसर मैं अब आपको यहाँ इधर दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने आंसर को इसमें लिख देना। अब मैं ये जो है एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। सुनील एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर ए पिकनिक, टेक से बस, कि सुनील और उसके दोस्त ने पिकनिक के लिए गए और एक बस ली, ये बस है, द बस वेंट थ्रू द हिल्स, की जो बस है वो हिल्स के होते हुए रास्ते हुए होते हुए गई, रिवर साइड पर पहुंच गई, दे सॉ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट अराउंड देम सेल्फ, और उन्होंने क्या देखा, बहुत ही सुंदर, एक मिनट, बहुत ही सुंदर जंगल देखा, सून आफ्टर दे वर हंगरी, और थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगने लगी, सेट अप फूड, और उन्होंने खाना खाया, आफ्टर ईटिंग द फूड, अपना खाना खाने के बाद, सुनील एंड हिज फ्रेंड्स स्विम इन द रिवर, उसके सुनील और उसके दोस्तों ने जो रिवर है, नदी है, उसमें वो तैरे, आफ्टर दे वेंट टू फाइंड सम फ्रूट्स फ्रॉम द जंगल, उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए, जंगल में खाना खाने के लिए, एंड द वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनमें से एक दोस्त वेंट मिसिंग, खो गया, दे कॉन्टेक्टेड लोकल पुलिस, उन्होंने लोकल पुलिस की मदद ली फॉर हेल्प, एज वेल एज पंचायत, पंचायत के लोगों से, क्योंकि गांव में पंचायत होती है, ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव में छानबीन की, द फ्रेंड हु गॉट लॉस्ट इन द जंगल वाज फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, कि जो दोस्त जंगल में खो गया था वो कहाँ मिला, नदी की दूसरे किनारे, हो सकता है वो पानी में तैर करके उधर निकल गया। द ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी समुदाय थे ऑफ द विलेज हेल्प हिम, और उसने उनकी मदद की, किसकी, सुनील के दोस्त की। तो ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। जो दूसरा है आपको मैं दिखा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यू कैन चूज टू राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के बेस पर क्या है, देखो इसमें पिकनिक कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह से आपको एक स्टोरी लिखनी है, यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, आपको कैरेक्टर बनाने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, अंडरस्टैंड द सेटिंग, और उसकी जो सेटिंग माहौल है वो बनाना है, क्रिएट ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बनानी है, और थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ये आपके सामने है, देखोगे ये मैंने आंसर इधर लिख दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसको अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। वन डे आई वेंट टू द पिकनिक विद माई फैमिली, की एक दिन मैं फैमिली के साथ पिकनिक गया, आई वेंट अलॉन्ग विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ गया, मदर ब्रदर एंड सिस्टर, देखो तो ये क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए ना, ठीक है, जो कि इस कहानी में रोल प्ले कर रहे हैं, वी पैक्ड अप ऑल द स्टफ रिक्वायर्ड फॉर पिकनिक लाइक फूड कारपेट स्पोर्ट्स स्टफ एट्सेट्रा, कि हमने वो सब सामान पैक किया जो हम पिकनिक पर आमतौर पर ले जाते हैं, कारपेट ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं,
और इसके अलावा जो भी खेलने का सामान ले जाते हैं। व्हेन वी रीच द डेस्टिनेशन ऑफ आवर टूर, जब हम अपनी जो चुनी हुई जगह पर जहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ पहुँच गए, वी सेट फॉर लंच, कि हम लंच खाने लगे। माई यंगर ब्रदर सुरेश एंड सिस्टर पल्लवी, कि मेरा जो छोटा भाई है सुरेश और मेरी बहन पल्लवी, आई वॉज प्लेइंग विद द बॉल, हम बॉल के साथ खेल रहे थे। सडनली द बॉल वेंट इन टू द बुशेज, बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है, कि जो बॉल थी वो झाड़ियों में चली गई, कहाँ चली गई, झाड़ियों में। हम एक स्टोरी लिख रहे हैं बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। एंड माई ब्रदर सुरेश वेंट आफ्टर इट टू पिक, इसको लेने के लिए, किसको, बॉल को लेने के लिए उसके पीछे गया। एक्सीडेंटली इन द बुश, बॉस नहीं, गलती से गलत टाइप हो गया, बुशेज, एक्सीडेंटली इन द बुशेज, झाड़ियों में, देयर वॉज ए स्नेक हु बाइट हिम, जिसने उसको खा लिया। ही क्राइड लाउडली, वह तेजी से चिल्लाया। हियरिंग हिज क्राई, उसकी आवाज़ सुनते हुए हम उसकी तरफ दौड़े। वी रैन टुवर्ड्स हिम, ही वॉज क्योर्ड बाई माई फादर, उसको मेरे फादर ने ठीक कर दिया, हु इज़ ए डॉक्टर हिमसेल्फ, क्योंकि वो क्या थे, एक खुद डॉक्टर थे। एंड बिकॉज ही ऑलवेज कैरीज हिज मेडिकल किट विद हिम, और अपने साथ हमेशा एक मेडिकल किट लेकर के जाते हैं। आफ्टर दैट वी केम बैक होम, फिर उसके बाद हम घर आ गए। दिस पिकनिक वॉज टर्नड आउट टू बी सैड वन ड्यू टू एक्सीडेंट, ये पिकनिक हमारे लिए थोड़ी सैड रही, क्योंकि क्या हो गया था, उसके भाई सुरेश को सांप ने खा लिया था। हालांकि वो ठीक हो गया। आपको जो ये आंसर लिखने हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लें, मैं अगेन कह रहा हूँ, बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखने पर ही फोकस ना करें, समझ लें, क्योंकि समझने से ही आपको अच्छे से सीखोगे और तभी एग्ज़ाम में कर पाओगे। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।